So in this video, we are going to understand the queue implementation using arrays in C programming. So we are going to implement a queue program using programming C. So let's get started. First of all, I am going to make a use of a macro. एक मैं मैक्रो का यूज ले लेता हूँ. तो लेट्स से आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ हैश डिफाइन. और यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैक्सिमम के नाम से. एंड आई एम गोइंग टू असाइन दिस मैक्सिमम वैल्यू एज 10. तो मैंने कितनी वैल्यू असाइन कर दी? तो मेरे पास एक मैक्स नाम का वेरिएबल है विच कैन होल्ड अप टू 10 वैल्यूज. नाउ इन द सेम सिनेरियो आई एम गोइंग टू डिक्लेयर सर्टेन वेरिएबल एज अ ग्लोबल वेरिएबल. तो मैं एक जो पहला ग्लोबल वेरिएबल बना रहा हूँ वो मैं बना रहता हूँ लेट्स से अपने रियर के नाम से. और इस रियर को मैं इंडिकेट करता हूँ -1 वैल्यू के साथ इनिशियलाइज. तो मैंने यहाँ पर एक रियर नाम का वेरिएबल ले लिया और इसको मैंने किससे इनिशियलाइज किया? विद अ वैल्यू -1. इन अ सेम सिनेरियो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अनदर वेरिएबल कॉल एज फ्रंट. और फ्रंट को ही मैंने किससे इनिशियलाइज करा दिया? विद द वैल्यू ऑफ -1. So now we are going to implement this program using an array. So I am going to make a use of an array. तो array के लिए सबसे पहले आप क्या बताते हैं? उसका data type. Then you are going to specify the name of your array. So let's say मैं अपने array का नाम डाल देता हूँ q_array. And then you have to specify the size of your array. तो let's say size मैंने क्या specify कर दिया? My variable max. तो यहाँ पर मैंने तीन वेरिएबल्स बनाए, उनको ग्लोबली डिक्लेयर किया. नाउ हेयर इन दिस मेन सेक्शन आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अनदर वेरिएबल कॉल्ड एज इंटीजर चॉइस. सो बेसिकली हम एक मेन्यू बनाएंगे थ्रू विच यूजर कैन सेलेक्ट देयर डिजायर्ड ऑप्शन. अगर उसको एलिमेंट इंसर्ट कराना हो, डिलीट कराना हो, या उसको क्यू के एलिमेंट डिस्प्ले कराने. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस प्रिंट एफ स्टेटमेंट. एंड हेयर आई एम जस्ट राइटिंग अ सिंपल लाइन queue implementation. Okay. Now here what exactly we are going to do is I am going to make a use of my while loop. और while loop में मैंने let's say condition दे दी value 1 कि मतलब जब तक मेरा while रहेगा true तब तक ये मतलब ये loop चलता रहेगा. In this loop I am going to make a use of certain statements. So the first statement I am going to write here is printf स्लैश एन. तो लेट्स से पहला मैं मेन्यू बना रहा हूँ इंसर्ट एलिमेंट इन क्यू. सो जैसे यूजर मेरा प्रेस करेगा 1 आई एम गोइंग टू इंसर्ट एन एलिमेंट इन टू क्यू. अगेन आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस प्रिंट एफ स्टेटमेंट. एंड लेट्स से यहां पर मैंने एक सेकेंड ऑप्शन बना दिया इन ऑर्डर टू delete an element from queue. तो यहां पर मेरा एलिमेंट हो जाएगा डिलीट अगर यूजर प्रेस करते हैं सेकेंड. सेम आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अनदर स्टेटमेंट स्लैश एन 3. आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस मेन्यू इन ऑर्डर टू डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ क्यू. So whenever user going to press 3, we are going to display the elements of our queue. And for fourth option, I am going to make a use of exit function. So let's say I am going to make a use of 4 exit. So jaise user 4 press karega, I am going to exit my user from that program. So let's say after this menu, ab main user se main puchunga choice. For that, I am going to make a use of printf statement. लेट्स से मैंने यूजर से पूछ ली एंटर योर चॉइस. सो हेयर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस वेरिएबल. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ स्कैन एफ. और लेट्स से मैंने यहाँ पे यूज कर दिया अपने परसेंटेज डी का. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस एम परसेंट साइन आई एम गोइंग टू टेक एन इनपुट फ्रॉम अ यूजर. और ये जो इनपुट यूजर देगा ये कौन से वाले वेरिएबल में चला जाएगा? इन टू माई चॉइस वेरिएबल. Now here I am going to make a use of my switch statement. और switch में आप क्या पास कर दोगे? अब आपके switch में कौन सी वैल्यू है? इंटीजर टाइप की वैल्यू है. तो आपको केसेस भी कौन से बनाने होंगे? इंटीजर टाइप के. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ फर्स्ट केस 1.
Let me just make a use of break statement as well. So in this case one, I am going to call a function. Let's say मैं एक function बनाऊँ in order to insert an element into queue और उस function को मैं यहाँ पर अभी call कर देता हूँ. So let's say जो function का नाम मैं लेने वाला हूँ वो ले रहा हूँ insert. Okay. तो जैसे user press करेगा one, this insert function will get call. So I am just copying this. Now I am going to make a use of a case 2. Case 2 आपने किसके लिए बनाया? When user want to delete an element from your queue. तो let's say मैं अपने function का भी name delete. Actually this delete is a reserved keyword. तो let's say मैं remove वगैरह करने कुछ देता हूँ. Remove queue. तो मैंने यहाँ पर function का name क्या दे दिया? Remove queue. Now the next step is to display the elements of your queue. So I am going to make a use of case 3 and I am going to make a function with the name display. The display ke naam se maine yahan pe function bana diya. And in this case 4, you can simply make a use of an inbuilt function called as exit. And you have to pass a parameter to it, 1. So this is going to exit you from your program. I am going to make a use of a break statement. Finally, I am going to make a use of my default statement. अगर कोई user गलत entry डालता है, let's say 1, 2, 3, 4 के अलावा कुछ और अगर insert कराने की कोशिश करते हैं, so I am going to execute this default. So I am going to make a use of a printf statement. Please enter valid choice between 1, 2, 4. तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट में आप ब्रेक दो या ना दो, इट डजंट मैटर. तो लेट्स से अभी हमारा प्रोग्राम तैयार हो गया. एक लूप हमने बना दिया कि यूजर के पास एक मेन्यू ऑप्शन आ जाएगा और जैसे यूजर मेन्यू ऑप्शन पे क्लिक करेगा तो आई एम गोइंग टू कॉल दिस फंक्शन. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू डिक्लेयर दीज फंक्शंस. अभी हमको डिक्लेरेशन और डेफिनेशन इनकी देनी पड़ेगी. अभी हमने यहाँ पर सिर्फ इनको कॉल किया. So let's say here I am going to make a use of a first function which we have is insert. तो यहाँ पर मैंने इसको एक unparameterized function बनाया. तो इधर भी मैंने इसको एक unparameterized function ही बनाया. So in this insert function I am going to make a use of a variable called as add item. तो मैंने एक variable ले लिया किस नाम से? एक add item के नाम से. The first step is to I am going to check if रियल इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस वन. सो रियल क्या होता है? द टेल ऑफ योर क्यू. सो लेट्स से अगर ये यहाँ पे इंडेक्स होते हैं, लेट्स से मैंने क्यू का साइज लिया मैक्सिमम 5. सो 5 माइनस 1 विल गोइंग टू इंडिकेट दिस 4. तो लेट्स से यहाँ पे मैंने कंडीशन चेक कर दिया कि इफ रियल इज इक्वल टू मैक्सिमम माइनस 1. सो आई एम गोइंग टू प्रिंट अ लाइन. लेट्स से प्रिंट एफ Q is full. जब आपका रियर कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 4, तो मीन्स माई क्यू इज फुल. बट हमारे कॉन्सेप्ट में क्या होगा, हमने जो साइज लिया वो लिया 10. सो वेन माई रियर विल बिकम 9, दिस इज गोइंग टू डिस्प्ले यूर मैसेज लेट से योर क्यू इज फुल. मीन्स यू कैन नॉट इंसर्ट एन एलिमेंट इन टू योर क्यू नाउ. अगर ये कंडीशन नहीं है, सो आई एम गोइंग टू एग्जीक्यूट माई एल्स स्टेटमेंट. सो else स्टेटमेंट में वट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज, सबसे पहले इन दिस एल्स आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ इफ स्टेटमेंट. इफ स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा है? फ्रंट इज इक्वल टू माइनस 1. तो फ्रंट इज इक्वल टू माइनस 3 मीन्स कि लेट्स से मेरी जो क्यू है अभी इनिशियली एम्प्टी स्टेट में है. तो मेरी क्यू किस स्टेट में है? एम्प्टी स्टेट में है. सो आई एम गोइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ माई फ्रंट टू 0. तो इफ क्या करता है? इफ विल गोइंग टू ट्रीट इट नेक्स्ट स्टेटमेंट एज इट्स बॉडी. तो ये फ्रंट की वैल्यू क्या कर देगा? 0. अगर आपका फ्रंट क्या है? माइनस 1. सो नाउ योर फ्रंट विल बिकम 0. अभी स्टार्टिंग में मेरा फ्रंट था माइनस 1 और रियर भी है माइनस 1 पे. सो नाउ यू कैन सी दैट माई फ्रंट हैज बीन चेंज टू 0. Now after that I am going to make a use of printf statement
और मैं यूजर से एलिमेंट पूछ लेता हूँ कि लेट्स से विच एलिमेंट यू वांट टू इंसर्ट. सो स्लैश इन एंटर एलिमेंट इन क्यू. तो यहाँ पर मैंने क्या करा दिया, एंटर करा दिया एलिमेंट इन क्यू. नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ स्कैनफ फंक्शन परसेंटेज डी. और ये जो यूजर वैल्यू इंसर्ट कराएगा ये मैं किस में डलाता हूँ, एड आइटम नाम के एक वेरिएबल. तो मैंने ये कहाँ पर करा दिया, इंसर्ट एड आइटम के नाम से वेरिएबल. तो लेट्स से मेरा फ्रंट तो मैंने जीरो कर दिया, तो मेरे को अब रियर को भी जीरो करना पड़ेगा. सो बट एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू डू इज रियर इज इक्वल टू रियर प्लस वन. और यू कैन सिंपली मेक अ यूज ऑफ अ रियर प्लस प्लस. तो अब रियर की वैल्यू क्या आती, माइनस वन. तो माइनस वन प्लस वन क्या इंडिकेट करता है आपका, जीरो. तो रियर भी क्या हो जाएगा, जीरो. सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू आई हैव टू इन एड दिस एलिमेंट इन टू माई एरे. तो जो मैंने एरे का नेम दिया है वो क्या दिया था मैंने, क्यू अंडरस्कोर एरे. सो लेट मी जस्ट मेक अ यूज ऑफ क्यू अंडरस्कोर एरे के रियर पे मैं कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करा रहा हूँ, एड आइटम के नाम से. अभी मेरे को ये वाले का सिग्निफिकेंस आप बता. तो लेट से मैंने अभी कहाँ पर एलिमेंट ऐड करा है, क्यू के रियर पे. क्योंकि जब नेक्स्ट टाइम आप एलिमेंट इंसर्ट कराओगे तो फ्रंट पे कराओगे कि रियर पे कराओगे, रियर पे कराओगे. तो यहाँ पर मैंने वो जो एलिमेंट मैंने इंसर्ट करा है वो मैंने कहाँ पर इंसर्ट करा है, रियर पे. सो अभी लेट से यूजर ने सपोज करो एक एलिमेंट इंसर्ट करा दिया 10. तो फ्रंट भी मेरा यही है और रियर भी मेरा यही है. सो लेट से इंसर्शन ऑपरेशन आपको समझ में आएगी किस तरीके से आप एलिमेंट कराओगे इंसर्ट, कोई प्रॉब्लम इसमें. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज टू वी आर गोइंग टू क्रिएट एन अनदर फंक्शन कॉल्ड एज रिमूव क्यू. लेट से एलिमेंट तो मेरा इंसर्ट हो गया, नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ दिस रिमूव क्यू. So in order to that, I am going to declare this function and define this function remove queue. First step, toh wahi aap check karoge ki agar aapka front is equal to minus 1 hai. So I am going to make a use of if front is equal to minus 1. So then you can clearly say that your queue is in empty state. Agar let's say user ne aapke program ko run kiya aur starting mein second option press kar diya. So you can display this message. Printf /n/n its a queue is empty. तो यूजर को पता लग जाएगी क्यू अभी फिलहाल एम्प्टी है. आई हैव टू इंसर्ट एन एलिमेंट फर्स्ट. तो ये स्टेप आपको समझ में है. द नेक्स्ट स्टेप इज टू वी आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ एल्स स्टेटमेंट. एंड इन दिस एल्स वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट आवर बिजनेस लॉजिक इन ऑर्डर टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम क्यू. सपोज करो ये मेरी क्यू है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं 10, 20, 30, let's say 40 and 50. Now which element will get delete first? This 10. You have to delete this 10 first. Okay. और फिर आपको क्यू का भी साइज क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा. क्योंकि ये वाला एलिमेंट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये साइज इसका डिक्रीज हो जाएगा. सो यही बिजनेस लॉजिक हमको प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंट करना है, बहुत ईजी है. So in this else I'm going to make a use of printf statement. Or let's say my statement yahan pe simple likh do, let's say element deleted. So now here you have to show which element you are going to delete. Let's say here I have to make a use of percentage d and I'm going to show the element of, let's say the name of my array is q underscore array. और मैं कौन सा एलिमेंट इसमें डिस्प्ले कर दूंगा, विच इज गोइंग टू बी इन माई फ्रंट. जो मेरा एलिमेंट कहां पर होगा, फ्रंट में. तो दिस एलिमेंट विल गेट डिलीटेड एट द फ्रंट. एंड द नेक्स्ट स्टेप इज टू वी हैव टू डिक्रीमेंट द साइज ऑफ अवर क्यू. सो लेट्स से यहां पर मैं एक स्टेप लिखता हूं, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट प्लस 1. Suppose this is the element in your front. So front plus 1, 1.
So now the front will become 20 because you have incremented the value of your front. Understood? तो डिलीट ऑपरेशन आपको समझ में आएगी किस तरीके से परफॉर्म होगा क्यू का. ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज टू वी हैव टू डिस्प्ले ऑल द एलिमेंट्स ऑफ माय क्यू. सो आई एम गोइंग टू डिक्लेयर दिस फंक्शन वॉइड. डिस्प्ले, सो यहां पर आप ये स्टेप तो रिपीट करोगे करोगे. अगर लेट्स से यूजर ने जैसे आपका प्रोग्राम रन किया और उसने थर्ड ऑप्शन प्रेस कर दिया, so I am going to show it. Okay, let's say right now your queue is in empty state. Now in else statement I am going to implement the business logic for displaying all the elements of my queue. So I am going to write a statement first. It's a printf slash in slash in. Queue elements. And I'm going to make a user again slash in slash in. So here statement mein likha hai ki let's say queue elements are, and now in order to display the elements of your queue I'm going to make a use of my for loop. We have to make a use of a for loop. So let's say here I'm going to declare a variable integer I is equal to front. I ko maine kaise initialize kara diya with the element front. Iske baad maine let's say condition kya di, I लेस देन इक्वल टू रियर, और इसके बाद मैंने क्या कंडीशन दी, आई प्लस प्लस. सो ये फॉर लूप आपको समझ में आएगा किस तरीके से चलेगा. फॉर आई इज इक्वल टू फ्रंट और आई कब तक चलेगा, लेस देन इक्वल टू रियर. तो लेट्स से ये कब तक चलेगा, सपोज करो माई रियर विल बिकम लेस देन इक्वल टू, लेट्स से आई मेरा हो गया जीरो के साथ इनिशियलाइज फ्रंट, और ये कब तक चलेगा, जब तक लेस देन इक्वल टू रियर, मतलब दिस फोर, तब तक ये चलेगा. सो नाउ यू हैव टू डिस्प्ले द ऑल द एलिमेंट्स ऑफ योर क्यू. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ अ प्रिंटएफ स्टेटमेंट, और लेट्स से परसेंटेज डी, एंड हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ माय एरे. और जो एरे मैंने बनाया वो कौन सा बनाऊंगा, क्यू अंडरस्कोर एरे आयत इंडेक्स. तो ये सारे यहाँ पे क्यू के एलिमेंट्स आपको डिस्प्ले करा देगा इन अ सीक्वेंशियल फॉर्मेट. तो मतलब 10, 20 जो भी एलिमेंट पहले इंसर्ट हुआ उसी के अकॉर्डिंग ही आपको दिखा देगा. एंड हियर आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ प्रिंटएफ स्लैश एन, ताकि एक नई लाइन का स्पेस आ जाए. और नेक्स्ट फंक्शन तो आपने बनाई है एग्जिट करके, तो ये तो एग्जिट आपका वहीं से कर जाएगा, एग्जिट वन. तो इस वाले फंक्शन को आपको बनाने कोई नीड नहीं है. सो नाउ लेट्स इंप्लीमेंट दिस प्रोग्राम. सो क्लिक ऑन सेव एंड आई एम गोइंग टू बिल्ड दिस प्रोग्राम. सो लेट जस्ट चेक. सो लेट्स से यहाँ पर एक आगे एंटर योर चॉइस. अगर लेट्स से मैंने बोला कि आई एम गोइंग टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम क्यू, सो इसमें दिखाते लेट्स से योर क्यू इज एम्प्टी. और लेट्स से अगर मैंने डिस्प्ले भी कराने की कोशिश करी, क्यू इज एम्प्टी, और अगर मैं प्रेस कराता हूँ फोर, सो आई एम गोइंग टू एग्जिट फ्रॉम दिस प्रोग्राम. सो नाउ लेट्स इंसर्ट अ प्रोग्राम इनटू एन क्यू. सो एंटर योर चॉइस वन, क्यू इज फुल, चेक करना पड़ेगा. यहाँ पर मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ किया हुआ, मेरे को थोड़ा ये डबल इज इक्वल टू यूज़ करना. मैंने यहाँ पर असाइन कर दिया कि मैक्सिमम माइनस वन इज इक्वल टू रियल. तो यहाँ पर मेरे को चेक करना था, तो क्लिक ऑन सेव एंड एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम. सो लेट मी जस्ट इंसर्ट एन एलिमेंट. तो मैंने एलिमेंट एक इंसर्ट करा दिया 10, एक और कराता हूँ लेट्स से 20, 30, और लेट्स से एक और एलिमेंट इंसर्ट कराता हूँ 40. Now I'm going to make a use of my choice. Let's say display में कराया था, 10, 20, 30, 40. और लेट्स से अगर मैं कोई एलिमेंट डिलीट कराऊंगा तो वो कौन सा डिलीट होना चाहिए मेरा, 10 एलिमेंट. सो आई एम गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ ऑप्शन 2. सो यू कैन सी दैट द एलिमेंट विच हैज बीन डिलीटेड इज 10. अगेन यू आर गोइंग टू मेक अ यूज ऑफ ऑप्शन 2. नाउ दिस टाइम द एलिमेंट विच इज गोइंग टू डिलीट इज 20. एंड नाउ यू वॉन्ट टू डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ अ क्यू, प्रेस 3. 30 and 40. So this is the concept of implementation of a queue using C.